आपको ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ही हल्के हाथों से करें, क्योंकि अभी आपके बेबी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। आप अगर सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहे हैं। कई बार तब भी आप जैसे ही आप उसकी स्किन पीछे करते हैं तो हल्का सा उसमें क्रैक आ जाता है, हल्की सी। आप सपोज दैट जो आपके हेयर हैं, हेयर जैसा आपको क्रैक दिखता है, हेयर के जितना पतला, और फिर उसमें हल्का हल्का सा ब्लड। या आपने हाल ही में एक नवजात शिशु को बॉर्न किया है, या फिर आपकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है और अब आपकी किसी भी दिन डिलीवरी होने वाली है, तो जैसे ही आप पेरेंटिंग की सीढ़ी में अपना पहला कदम रखते हैं, या फिर पेरेंटिंग की सीढ़ी में आप अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जैसे ही हम नए माता पिता बनते हैं, हम न्यूली पेरेंट्स बनते हैं, तो हमारे नवजात शिशु से लेकर, हमारे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको गूगल करने पर भी आपको उनका जवाब नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपके नवजात शिशु से लेकर एक ऐसी ही चिंता का निदान लेकर आई हूँ जो कि हर नए माता पिता के मन में जरूर होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये सवाल है, ये हमारी बहुत ही प्यारी ऑडियंस में से एक हमारे व्यूवर का है, डियर गोपाल केसरी जी। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल ये था कि जैसे ही हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बॉर्न हो जाता है, तो उसके बाद जो सपोज दैट जो हमारा नवजात शिशु है वो अगर बेबी बॉय है, तो हम अपने नवजात बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कई बार ऐसे हमारे नए माता पिता भी होते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता है, तो ऐसे में वो शुरुआत के दिनों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चे के, अपने जो नवजात शिशु है, अपना जो उनका पुत्र होता है, उसके प्राइवेट पार्ट को वो ओपन नहीं करते हैं। देन आफ्टर जब हमारा बेबी बड़ा हो जाता है, 2 साल 3 साल का हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपको पता चलता है, देन आफ्टर आपको उसमें एक कट लगवाना होता है, जिसको छोटा सा ऑपरेशन उसका होता है, तो इसकी नौबत ना आए। तो माता पिता होने के नाते अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो नवजात बेबी बॉय है उसके प्राइवेट पार्ट को आप घर पर ही ओपन कर लें, आपको उसमें कट लगवाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आइए जानते हैं कि आपको कौन सी होम रेमेडीज़ अपनानी है और आपको अपने नवजात बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करना है। तो ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये जो थेरेपी हम आपको बताने वाले हैं, ये टिप्स मैंने धैर्य पर ऑलरेडी अपनाई है और बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव है, तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे ज्यादा कारगर टिप है हमारी, वो है जब भी आप अपने बेबी को मसाज देते हैं, आप दिन में 2 बारी मसाज देते हैं, 3 बारी मसाज देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप अपने बच्चे को दिन में 4 बार भी मसाज देते हैं, तो आपको पूरे टाइम ये थेरेपी अपनानी है, हर बार आपको वही टिप बार बार रिपीट करनी है, और इस टिप को आपको गैप नहीं देना है, आपको पर डे वो टिप अपनानी है। तो आइए जानते हैं वो टिप कौन सी है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और मैंने अपने धैर्य का, जो मेरा बेटा धैर्य है, प्रॉपर उस पर उसने वर्क किया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम आपको बता दें, आप जब भी ऑयल करने बैठते हैं, अपने बच्चे को ऑयलिंग का प्रोसेस जारी करते हैं, तो ऑयलिंग करने के बाद भी आप इसे कर सकते हैं, ऑयलिंग के पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं है फिक्स। तो आप अपने नवजात जो आपका बेबी बॉय है उसकी प्राइवेट पार्ट की स्किन को हल्का सा आप पीछे करें। आपको ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ही हल्के हाथों से करें, क्योंकि अभी आपके बेबी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। आप अगर सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहे हैं। कई बार तब भी आप जैसे ही आप उसकी स्किन पीछे करते हैं तो हल्का सा उसमें क्रैक आ जाता है, हल्की सी। आप सपोज दैट जो आपके हेयर हैं, हेयर जैसा आपको क्रैक दिखता है, हेयर के जितना पतला, और फिर उसमें हल्का हल्का सा ब्लड आ जाता है, तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें, कई बार अगर ये प्रोसेस रिपीट भी हो जाता है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है,
ये कॉमन सी बात है और ये होना नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। मैं शुरुआत के दिनों में कई बार अगर हमसे ये हो जाता था तो मैं धैर्य के लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी। और फिर इसके बाद मैंने बेबी डॉक्टर से बात करी, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उससे, तो उसने बोला कि ये कॉमन सी बात है, बट फिर भी आप ध्यान रखें कि आप उसको बहुत हल्के हाथों से करें। और उसकी स्किन पीछे करने के बाद आपको उसमें ऑयलिंग, आप एक बूंद ऑयल का उसमें रख सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद आप उसको अच्छे से क्लीन करें, क्लीन से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप अपने हाथों पर बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर सपोज दैट बेबी के जो प्राइवेट पार्ट है उसमें हल्का सा क्रैक आ गया और आपने हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखी, तो ऐसे में उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपके हैंड से उसमें बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गए, देन फिर आपके लिए रिस्की हो जाता है, बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कष्टमय हो सकता है। फाइनली आपको हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है, प्रॉपर अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद ही आपको ये प्रोसेस करना है। और हम आपको फिर से ध्यान दिला दें, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। आप जब नियमित ढंग से इसी प्रकार पर डे आप मसाज करेंगे, दिन में 2 बारी 3 बारी, तो पर डे आप उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, यही आपको लगभग 6 से 7 महीने करना है। 6 से 7 महीने का जब तक आपका बेबी कंप्लीट होगा, तो बहुत ही अच्छे से उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन होने लगेगा। मैं अगर अपने बच्चे की बात करूँ, जो मेरा बेटा धैर्य है, मैं उसकी बात करूँ, तो लगभग हमें लगता है उसका 8 महीने के समथिंग में उसका प्राइवेट पार्ट ओपन होना शुरू हुआ था। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, 1 साल के अंदर ही आपका जो नवजात शिशु है उसका प्राइवेट पार्ट ओपन होने लगेगा। और आइए जानते हैं कि जो दूसरी टिप है वो कौन सी है। इसको भी मैं अपने बेटे धैर्य के साथ प्रॉपर तरीके से यूज़ करती थी, मैं इसको भी अपनाती थी, वो है हमारा फूंक के सहारे प्राइवेट पार्ट को ओपन करना। आप अपने माउथ से फूंक के सहारे अधिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत हैवी प्रेशर नहीं देना है, हल्की सी फूंक के सहारे। आप जब अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट पर फूंक का सहारा लेंगे, फूंक का प्रयोग करेंगे, तो उससे भी जो स्किन होती है उसके चिपकने के चांसेस नहीं होते हैं। और इसके बाद जब आप उसको ऑयलिंग के दौरान भी आप उसके प्राइवेट पार्ट की स्किन को पीछे करेंगे फिर ऑयलिंग करेंगे, तो बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि आपके बेबी बॉय के जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन हो जाए। और ये दोनों टिप्स हैं जिनको कि मैं रेगुलरली अपने बेटे के साथ अपनाती थी, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो और इसी के साथ में हम आपको तीसरी टिप भी ज़रूर बताएंगे, जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हमें। हालांकि हम आपको बता दें, इसको मैंने कभी अपने बच्चे पर रेगुलर फॉलो नहीं किया, कभी कभी अगर मुझे याद रहता था तो मैं फॉलो करती थी, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी। बट फिर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, शायद आपको इफेक्टिव लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वो हमारी टिप है, आप जब भी अपने बच्चे को बाथ दें, बाथिंग के दौरान आप पानी की पतली धार के सहारे भी बेबी के प्राइवेट पार्ट को ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स जिनको अपना के आप अपने बच्चे के, आप अपने नवजात बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को ओपन कर सकते हैं। आई होप कि गोपाल केसरी जी, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। थोड़ा सा माइक का इशू है, थोड़ा सा पड़ोस में कहीं कुछ हो रहा है, बट मैं उसको रोक नहीं सकती। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉइस समझ में आ रही, देन प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और हम आपको बता दें, एक आपका हमारा सवाल और था कि हम अपने बच्चे को मसाज कैसे दें। तो बेटा हम आपको बता दें, इसके लिए हम अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। आई थिंक कि आपने उसी वीडियो पर हमारी कॉमेंट किया है, तो जो आप मसाज का वीडियो देख रहे हैं वो मेरे बच्चे धैर्य का ही है, और मैंने उसको प्रॉपर खुद ही मसाज दिया है। प्लीज़ आप उसी वीडियो से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अब वापस से मसाज का वीडियो शूट नहीं कर सकती। मेरा बेटा धैर्य उस ढंग से लेट के अब मसाज नहीं कर पाता, वो दौड़ भी लेता है, चल भी लेता है, तो वो बारी बारी उठ के चला जाता है, तो हम बहुत मुश्किल से उसको मसाज दे पाते हैं। तो ये मेरे लिए मसाज केवल देना उसको बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो गया है, तो हम आपको उसका वीडियो वापस से नहीं शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप उसी में समझने की कोशिश करें। और अभी भी आप लोगों के मन में कोई सवाल या सुझाव रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।